हेलो बच्चों, नव भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा एवं संज्ञा के भेद के बारे में हम जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हम संज्ञा के बारे में और संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान, जाति या भाव या दशा आदि के नाम को, यानी कि आदि सबको हम संज्ञा कहते हैं। इनको संज्ञा के नाम से ही जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं, भारत एक विकासशील देश है। तो यहाँ पे जो भारत है वो एक स्थान है, तो ये एक संज्ञा है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। तो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी है वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये संज्ञा है। गंगा एक पवित्र नदी है, तो ये गंगा है एक नदी है, तो ये एक संज्ञा है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, तो जो कुरान है यानी ये एक किताब है कुरान, तो ये भी एक संज्ञा है। संज्ञा के, अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा की जो तीन भेद होते हैं, इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें जातिवाचक के भी दो भेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से संज्ञा में पांच प्रकार के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं पहले। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी या स्थान या किसी भी वस्तु का जो बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, रमेश कौन है, एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा, आगरा क्या है, आगरा एक स्थान का नाम है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाइबिल, अब बाइबिल किसे कहते हैं, बाइबिल एक किताब का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब ताजमहल, ताजमहल एक इमारत है, तो ताजमहल एक इमारत का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एम्स, एम्स क्या है बच्चों, सभी जानते हैं एम्स एक अस्पताल का नाम है, तो ये अस्पताल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि दिल्ली में। तो बच्चों हमने पहले संज्ञा देखी थी, संज्ञा की हमने डेफिनेशन देखी थी, संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा की परिभाषा में हमने किसी भी विशेष का नाम नहीं लिया था, यानी कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी, स्थान आदि का बोध कराते हैं, तो उसमें कोई विशेष नहीं था, तो वो जो थी वो संज्ञा थी, वो संज्ञा की डेफिनेशन थी। यहाँ पे हम किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का जो बोध होता है, यानी कि किसी स्पेशल के बारे में हम बताया जाता है। यानी कि जैसे व्यक्ति, यहाँ पर हमने रमेश एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे विशेष क्या है, व्यक्ति है, यानी कि रमेश एक नाम है, तो ये यहाँ पे रमेश जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। यहाँ पे जैसे आगरा, आगरा क्या है, एक विशेष है, एक स्थान का नाम है। अब स्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्पेशल स्थान का नाम लिया है आगरा, तो यहाँ पे जो आगरा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे हमने किताब का नाम लिया है बाइबिल। अब किताब जो है वो कोई भी हो सकती है, अगर कोई भी किताब होती तो वो संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पे हमने बाइबिल का नाम लिया है, तो जो बाइबिल है स्पेशल, इसे नाम है, किताब का नाम है बाइबिल, तो ये एक किताब का नाम है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे ताजमहल, ताजमहल एक इमारत है,
यानी कि एक स्पेशल इमारत है। तो ताजमहल जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक एम्स यानी एम्स जो है वो अस्पताल का नाम है। अब अस्पताल जो है वो कोई भी हो सकता है, तो वो जो कोई भी अस्पताल हो सकता है वो तो संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ पे अस्पताल में एक नाम लिया गया है अस्पताल का एम्स, तो ये एम्स जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हमने आगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इससे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब इसमें भाववाचक संज्ञा में प्यास, तो ये जो प्यास, थकावट, भूख, चोरी, घृणा और क्रोध, तो ये जो सब है, सुंदरता, ये सब जो है वो एक भाव है, एक अवस्था है, एक दशा है, इन सब का बोध हो रहा है इसमें, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। इसमें एक गुण भी है, गुण है, कर्म है, दशा है, अवस्था है और भाव है, तो इन सब का जो बोध करा है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं में का, तो यहाँ पे जो लिखने में गलती की गई है, तो यहाँ पे संज्ञाओं नहीं होकर संज्ञाओं होगा, तो भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या कोई आकार नहीं होता, ये केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं का हमारे भाववाचक संज्ञा का संबंध किससे होता है? हमारे भावों से होता है। इसका कोई रूप भी नहीं होता और इसका कोई आकार भी नहीं होता, ये सिर्फ केवल महसूस किए जाते हैं। जैसे कि घृणा, चोरी, भूख, तो ये हमें भाव फील होते हैं इससे। थकावट, कोई चीज़ नहीं है, प्यास, कोई सामान ये नहीं है, तो ये सब भाव है। चोरी, ये भी भाव है। घृणा, ये सब अपने मन के भाव हैं। सुंदरता, तो ये सब हमारे मन के भाव हैं, इसे इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है, ये सिर्फ हमारा हमें महसूस किए जाते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। अब बुराई से बचो, तो इसमें जो बुराई है वो भाववाचक संज्ञा है। घर से भी विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है, तो यहाँ पे जो दूरी है, डिस्टेंस है, तो वो भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब आगे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब इसकी तीसरा पार्ट है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो हम इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी परिभाषा हमने देखी, तो बच्चों सबसे पहले हमने इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने विशेष के बारे में बात की थी, विशेष व्यक्तियों के बारे में बात की थी, विशेष वस्तुओं, विशेष प्राणियों, यानी किसी विशेष के बारे में हमने बात की थी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। यहाँ पे हमने व्यक्तियों की जाति के बारे में हम बात करेंगे, प्राणियों की जाति के बारे में हम बात करेंगे, तो जो जाति का बोध कराए तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता वफादार है, तो जो कुत्ता है वो वफादार है, तो जो यहाँ पे वफादार है, वफादार कुत्ते सभी हैं, तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो जैसे आगे गाय हमारी माता है। अब जो माता है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, लेकिन गाय हमारी माता है, तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है कि पूरी जाति का बोध हो रहा है कि गाय हमारी माता है। सभी गायों के बारे में बात की जा रही है, सभी जाति के, इसमें सभी का जाति का बोध हो रहा है, सभी गायों के बारे में बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। हाथी, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, अब यहाँ पे मनुष्य में
हमें पता है प्राणी यानी व्यक्ति अगर होता है एक तो हम विशेष के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे सभी व्यक्तियों के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे मनुष्य, तो ये जाति के जातिवाचक के बारे में बोध हो रहा है, यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है मनुष्य की। तो यहाँ पे जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में सभी कैटेगरी के आ गए, यानी जैसे कि व्यक्ति स्त्री भी है, पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और वृद्ध भी आते हैं, तो ये सब मनुष्य जाति में आते हैं। तो यानी जो व्यक्ति होता है एक स्त्री, तो वो जो स्त्री है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुरुष पुरुष व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे इन सब के बारे में बात की गई है, मतलब कि मनुष्य जाति के बारे में बात की गई है। तो ये तो इसमें जो मनुष्य है यानी मनुष्य जो है एक जाति का बोध करा रहा है, तो मनुष्य में सभी तरह के लोग आ गए, स्त्री पुरुष वृद्ध और बच्चे। तो जो स्त्री है, स्त्री में भी एक स्त्री को हम ले लेते हैं, स्त्री का नाम ले लेते हैं, तो जैसे रमा, तो जो रमा है वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो स्त्री हमने ली तो वो भी एक जातिवाचक संज्ञा होगी। तो जो स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चे, तो ये सब एक मनुष्य है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। अब हम आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी भी पदार्थ या धातु का बोध इसमें होता है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। जैसे ठोस द्रव्य, ठोस द्रव और गैस, तो ये सब है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में दूध, घी, गेहूं, सोना, चांदी, ऊन, अब यहाँ पे देखिए ऊन है, तो ये इसमें मात्राओं में गलती की गई है, तो यहाँ पे ऊन होगा, जिससे कि हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं ना, तो वो ऊन है, तो ऊन पानी, तो ये आदि जो है ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब आगे हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की हम परिभाषा देखेंगे, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी भी ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं तो उससे हमें ग्रुप से ही पता चल जाता है कि ये समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कि भीड़, अब भीड़ में बहुत सारी भीड़ हो सकती है, जानवरों की भी भीड़ हो सकती है, मनुष्य की भी भीड़ हो सकती है, तो जो भीड़ है वो समूहवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे देखिए मेला, हम मेले में जाते हैं तो मेले में हर तरह के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, स्त्री भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, तो यहाँ पे सभी तरह के लोग होते हैं, तो ये मेला यानी कि एक ग्रुप का बोध हो रहा है, यहाँ पे एक समूह का बोध हो रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी लड़की भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, सभी होते हैं, तो इसमें ये ग्रुप है यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। समिति, झुंड में जानवरों का झुंड होता है, बकरियों का झुंड होता है, गायों का झुंड होता है, कुत्तों का झुंड होता है, तो ये जो झुंड है तो ये झुंड से पता चल रहा है यानी कि यहाँ पर ग्रुप है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। तो ये सब यानी कि समूह, जो शब्द समूह का बोध कराए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आगे हम आपको ये संज्ञा और संज्ञा के भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।